वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी घटते जाएगा। सबसे ज्यादा काले लोग सोचिए साउथ वाले लोग का क्या हाल होता है। अच्छा साउथ की हीरोइन सब नहीं, हीरोइन पे ज्योग्राफी के नियम काम नहीं करता। ये कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा के जितने नीचे वाले एरिया है वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगा, और कर्क रेखा के ऊपर वाले पे गर्मी कम पड़े। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी घटते जाएगा और ठंड बढ़ते जाएगा। ठंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। अब समझिए ध्यान से, सूर्य की किरणें लंबवत जो होती हैं वो मैक्सिमम कहाँ तक आएगी? कर्क रेखा। कर्क रेखा वह रेखा है जहाँ तक सूर्य की किरणें लंबवत आती हैं, यानी सीधे सर के ऊपर होती है। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। कैसी जाती हैं? तिरछी। और यहाँ से सूर्य लौट कर चला जाता है मकर रेखा पर। तो किन दो रेखाओं के बीच सूर्य घूमता है? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और बीचों बीच से जाएगी तो विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। भारत किस रेखा पर है? कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरती है? बीचों बीच से। सूर्य लंबवत किस रेखा तक चमकेगा? कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा। क्या कर्क रेखा के बाद सूर्य की किरण जाएगी? नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? तिरछी। तो सूर्य में वो गर्मी नहीं रहेगा, तिरछा जाने की वजह से बहुत कम एनर्जी पहुंच पाएगा। तो बताइए कश्मीर में सूर्य की किरणें तिरछी, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सीधा लंबवत चमकता है। जब यहाँ से सूर्य गया होगा तो लंबवत चमकते हुए गया होगा, यहाँ से लौट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से। यह है दिल्ली, ये मुंबई, चेन्नई, रांची। क्या है? रांची। कहा था इन चार शहरों में किस शहर के ऊपर सिर्फ एक बार सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी? सिर्फ एक बार लंबवत चमकेगी। अब ध्यान से समझिए, सूर्य नीचे से जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कहां चमकेगा लंबवत? चेन्नई। लंबवत मतलब सीधा। चेन्नई के बाद मुंबई, मुंबई के बाद रांची। अब क्या कर्क रेखा के ऊपर जाएगा? तो दिल्ली पे तो एक को बार लंबवत नहीं चमकेगा, और रांची पे एक बार। अब तो लौट आया, रांची पे तो दोबारा नहीं चमका, लेकिन लौटने में फिर चमक गया मुंबई, लौटने में फिर चमक गया चेन्नई। समझा गया? तो यहां सूर्य की किरणों के चमकने की बात नहीं हो रही है, लंबवत चमकने की बात हो रही है 90 डिग्री पर। समझा गया? तो जो शहर कर्क रेखा के नीचे होते हैं उस पर सूर्य की किरणें साल में कितनी बार? दो बार चमकती हैं कि लंबवत चमकती हैं? जो शहर कर्क रेखा के ऊपर होते हैं उसमें साल में एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। करने कैसे जाती हैं? तीर्थ। और जो ठीक कर्क रेखा पे होता है कितनी बार? एक बार। बताइए तो उज्जैन में कितनी बार चमकेगा? बंसवाड़ा में, भुज में एक बार ही चमकेगा। कितनी बार? एक बार। पटना में, पटना में एक बार। सोचिए पटना में सूर्य की किरणें तिरछ कभी सीधा आया ही नहीं, तिरछा। और तिरछा में जो इतना भयंकर गर्मी पड़ता है, सोचिए अगर हम लोग के ऊपर लंबवत चमकता तो क्या हाल होता? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगता। अच्छा सोचिए साउथ वाले लोग का क्या हाल होता है? हाँ, यहां ज्यादा गर्मी पड़ेगा। तो इसलिए देखिएगा, सूर्य की किरणों से रोकने के लिए मेलानिन की जरूरत होती है। त्वचा को किसकी जरूरत है? मेलानिन। इसलिए जहां सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी वहां का त्वचा में क्या पा जाएगा? मेलानिन। और आदमी हो जाएगा काला। तो साउथ इंडिया में आदमी, और कश्मीर में, और नीचे। समझ में आ गया? तो जितना दूर आप इन रेखाओं से रहेंगे उतना गोरा, और जितना पहाड़ पे रहिएगा उतना गोरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? क्योंकि सूर्य की किरणों से बच के रहेगा कोई भी, तो नेचुरल ऐसे ऐसे आप लोग सोचेंगे बच के रहने से नहीं, जो 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 कलर ऑर्डर दिया गया था वही कलर आया है। समझ में आ गया कि नहीं? अब थोड़े ना होने वाला है यहाँ पे। अब नहीं, बचपने में कलर होता है यहाँ पे। हम छोटे थे ना तो हम गोर थे, मेरी मम्मी हमको ना निमोनिया हुआ ना तो सरसों के तेल में लहसुन खौला खौला के ऐसे सेक के अब भूस दी ले जाके कहाँ पे
सूरज की रोशनी में एकदम पलट पलट के अचार कैसे सुखाया जाता है, चारों ओर से हमारा अचार की तरह सुखा दिए एकदम। और ये प्रोसेस लगभग 6-7 महीना चला था एकदम। हम लोग हम किस कलर के हो गए, चटकार। तो हम मम्मी से पूछे, मम्मी ये तो बचपन में हम ऐसे, तो हम ऐसे बदला नहीं ना गए हम। कह रहे कौन सी बोलता है, बदला गए हम। तो अभी आप लोग का कलर नहीं चेंज होने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? आप जिस कलर के हैं उसी कलर के रहेंगे। अच्छा, साउथ की हीरोइन सब, पता नहीं हीरोइन पे ज्योग्राफी के नियम काम नहीं करता। अच्छा एक बात बता, हीरो हीरोइन कौन होते हैं, जो सबसे मतलब सेलेक्टेड होते हैं, जो सबसे ठीक ठाक रहता है उसको ना निकाला जाता, नहीं समझे? आम इंसान थोड़ी हीरो हीरोइन बन पाता, जो सबसे सेलेक्टेड होते हैं। तो लाखों के भीड़ में एकाध सेलेक्टेड तो निकल ही जाएंगे ना, नहीं समझे? ऐसा थोड़ी होगा कौन भोजपुरी फिल्म है क्या? भोजपुरी में तो 2-4 4-5 अच्छी हीरोइने भी हैं। और ऐसे नया नया हीरोइन में क्यूकर उठा लेता है, हीरोइन नहीं मिले तो घरे में से क्यूकर लेके चलो चलो। भोजपुरी फिल्में देखिए ठीक ही है, लेकिन जो अश्लील गानाएं बना दी गई ना, बाकी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज को डुबा देता है यहाँ पर। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, नीचे सूर्य की किरणें कितनी बार, कर करेगा बार, समझ में आ रहा है कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? सबसे ज्यादा काले लोग इस विषुवत रेखा के पास मिलेंगे, कहां पे? विषुवत रेखा। हम लोग ये बीचो बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, बीचो बीच वाली रेखा को। और ये रेखा कर करे आइए, सबसे ज्यादा काले कहां मिलेंगे, एकदम करिया चींटा, कहां पर? विषुवत रेखा पे, एकदम भयानक करिया चींटा कहां मिलेगा? विषुवत। अब जो जो विषुवत रेखा के पास होगा वो थोड़ा थोड़ा चींटा टाइप का होते जाएगा यहाँ पे। तो जैसे नीचे का एरिया में थोड़ा सा आदमी का रंग चटकार रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना विषुवत रेखा से क्या हो जाएंगे, दूर। अच्छा ये कनाडा वाला पूरा दूर है, सब आए तो थे वो जस्टिन ट्रूडो, हाँ उन पे लगता है कोने काला जादू कर दिया है, काले भारत से काले घुसियाले रहते हैं वहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ ब्रिटेन रूस ये सब चीज क्या है, सब एकदम गोरे गोरे मिलेंगे सबको। यूरोप ये सब किससे दूर है, सब विषुवत रेखा। अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी ये नीचे, ये भी क्या रहेगा आप बताओ, ये भारत है और श्रीलंका, श्रीलंका जाए वहां फेरन लवली का प्रचार करे, हाँ एकदम खतरनाक यहाँ पे। केनिया, क्रिकेट में केनिया की टीम आती है, हाँ जो हंसता है से तभी पता चलता है कि कोई है। वेस्ट इंडीज, तंजा बताइए, विषुवत रेखा के पास आदमी गोरा होगा कि काला, कैसा हो जाएगा विषुवत रेखा? तुमको कह रहे एक तो तुम काला हो और उस पर सफेद शर्ट पहने हो, बताशा में चिवटा घुसा हुआ है। काला आदमी को सफेद पहनते हम लोग, हम जब सफेद पहनते हैं तब सफेद पहन में बहुत कम पहनते हैं सफेद, क्योंकि क्या लगता है बताशा में से क्या झांक रहा है, चिवटा झांक रहा है, काला वाला जो होता है चिवटा।